करता हूँ तुम्हारे। जो बुग़्ज़ शाह ने अपनी ज़बान खोलते हैं, जो बुग़्ज़ शाह ने अपनी ज़बान खोलते हैं, वो लोग अपनी शराफत में जहर घोलते हैं। हलाल जादों की पहचान है आजादारी, हराम जादे अजा के खिलाफ बोलते हैं। सुनना चाहते हैं और उनकी शायरी को तो मैं फिर बुला दूं, वरना मैं पेश करूं उस कलाम में खिलवाड़ कर दीजिए। अरे भाई देखिए कैसे असद साहब धड़कते हैं, वैसे ही सावन टूट के बरस साहब धड़कता है। बस सलाम पर मोहम्मद वाले हो गई है, वैसे हमारा सिस्टम भी पूरा मतमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो उलमाए कराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि महफिल का लफ्जी मानी है खुशी, ठीक है। महफिल जश्न का मतलब क्या है, थोड़ा सा चेहरे पे अफसुर्दगी ना हो। हर चीज़ की एक क्राइटेरिया है। कसीदा किसे कहते हैं, रुवाई किसे कहते हैं, मुसालमा किसे कहते हैं, लेकिन आज पब्लिक मुसालमा ही सुनना चाहती है। मैं भी इसी रंग में पेश करता हूँ। अब ज़माना आ गया है कि मसाइल पहले होगा फजाइल बाद में होगा, पब्लिक ये चाह रही है फजाइल बाद में होगा, उसके बाद ज़ियारत होगी, उसके पहले मसाइल होंगे। मुसालमा अब जश्न हो गया है, जश्न मसाइल हो गया है। मैं भी इसी का कायल हो गया हूँ। सलवात बेहतरीन अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मिसरे हैं जो पेश करता हूँ, पूरी दुनिया में सराहे गए हैं आपकी इंसाफ पसंद समाते हैं समाज। उसकी खामोश मिजाजी में मरने का सबब एक तबस्सुम। और चार मिसरे और पेश करता हूँ, समाप्त करें। शायद आपने सुना हो थोड़ा सा। देखिए हजरात, मैं आपके बीच में कुछ कलाकारों के बीच में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कुछ फनकारों के बीच में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं संजीदगी से शेर पेश करता हूँ, अगर चीज़ समझ में आ जाए तो थोड़ा सा बुलंद कीजिएगा, वरना अपनी जगह ले लूँगा, समाप्त करूँगा। ये दास्ता कलमे हक नवास लिखते हैं, किताब इश्क़ को
शिफा से लिखते हैं। कफन को इसलिए ताकि शिफा से लिखते हैं। और आप ही की शायरी आपको मैं पेश कर, आपके इंसाफ पसंद समाजों को मैं पेश कर रहा हूँ, समाज करें। पूरी दुनिया में लोगों ने ये ख्याल अपना समझा है, आप समझे। देखिए हमारे नया भाई बैठे हैं, 16 साल पहले इन्होंने मुझे मदद किया था तो मैं उस मीरपुर के बजाय यहाँ में पहुँच गया था। इनकी मौजूदगी में पेश करता हूँ, समाज करें। मेरे रफी को मेरे अज़्म को जला देना, बवक्ते मर्ग भी जीने का हौसला देना। जो कर बलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरी लाश पे फर्शे आसा। मेरा कई लोगों ने उड़ाया है, लेकिन मैं पेश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मौलाना सरकार भी अपने जिक्र में इसका जिक्र किया करते थे पूरी दुनिया में। गैसों गजब में जब कभी आई है जिंदगी, बहुत बहुत अब्बास बन के मौत पे वो क्या सुने, तो बंदी नहीं पेश कर रहा हूं, सुने। गैसों गजब में जब कभी आई है जिंदगी, अब्बास बन के मौत पे छाई है जिंदगी। हमने गमे हुसैन से पाई है ओढ़ी है मौत और बिछाई है, सुने सुने, ओढ़ी है मौत और बिछाई है जिंदगी। यारों कफन की शक्ल में लाखों जतन के बाद कर्मों बला से हमने मगाई है, कर्मों बला से हमने मगाई है जिंदगी। और फहमी भाई करबला में आप मौजूद थे, मैंने ये शेर नहीं पढ़ा था समाज करने पूरी दुनिया में। काफिर कहेगा बस वही है दर के बाप को जिसने पराए बाप से पराई है। जिसने पराए बाप से पाई है जिंदगी। हजरात चूंकि देखिए अच्छे अच्छी महफिल होने में दो चीज़ का, एक तो फेरिस्त यहाँ पे बेहतरीन है, थोड़ा सा माइक ये होता है लोग समझ नहीं पाते, वीडियो के जो माइक लगते हैं वो आपको पढ़ने नहीं देते। मैं एक मतला अहमद फराज की ज़मीन रास्ते याद नहीं राहनुमा याद नहीं इसको मनकबत करने की कोशिश की, बड़े भाई समाप्त करें। इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी अगरचे आप बगौर समाज करें। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी यार नहीं, सुनो थोड़ा सा हो, क्या मुसलमानों को ये कौले नबी यार नहीं, क्या मुसलमानों को ये कौले नबी
بھی یاد نہیں وہ حلالی ہی نہیں جس کو علی یاد نہیں. حدیث رسول ہے ساون ہنوری کے کبھی خیال نہیں ہے, یہ حدیث رسول ہے. بہت سنیے, کیا مسلمانوں کو یہ قول نبیاں نہیں وہ حلالی ہی نہیں جس کو بولی جس کو علی یاد نہیں. یہاں سے شیر میں بھائی, نہیں معلوم ازاں خان کا رس کا جن کو, نہیں معلوم نہیں معلوم ازاں خان کا رستہ جن کو, اس کا مطلب انہیں جنت کی گلی یاد نہیں. سنے اس کا مطلب انہیں جنت کی گلی یاد نہیں. کیا مسلمانوں کو مشکلوں بار سے سن لو میری جانب نہ بڑھو, مشکلوں بار سے سن لو میری جانب نہ بڑھو, اس کو ڈھونڈو کہ جسے نام علی یاد. تھوڑا سا وہاں ہاتھ, تھوڑا سا اس کا مطلب انہیں. اور دو شعر کے لیے میں نے یہ اکرام سنے رہا, ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر, سنے ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر جو قیامت میں سنانا ہے وہی یاد نہیں. فہمی بھائی اور اس وطن کے لوگوں نے بڑی ہی بہترین محفل سجائی ہے, تھوڑا سا آپ محفل دیکھیں نا, محفل میں شریک ہو جائیں. اور اس شعر پہ اگرچہ آپ کی ضد نہ ہو اور ملا کے رب
حضرات مغلا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو شیر سے لڑائی لڑنے بہرحال دیکھتے ہیں ایک دو شیر پڑھ کے سلوا دیں گے آئیے پوری دنیا میں مشہور ہے آپ چاہے جیسے سنیں بس اتنا کہہ دوں گا کہ گواہ یہ ہیں میں نے بارگاہ مولا علی میں بارگاہ مولا عباس میں اس سے بڑی جگہ تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے یہ میری آواز میری شاعری میں میرے سخن کا کمال ہے اب کوئی سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے میرے اوپر احسان میں نے جہاں چاہا وہاں پڑھ لیا میرا ارمان نکل گیا یہ میرے کمال کی آپ تو ملتی رہتی ہے لیکن اب بھائی صاحب نے کہا ہے میرے بھائیوں نے تو میں کوشش کرتا ہوں ایک حیبت عباس ہندوستان میں مقدس پڑھنے کی روایت بہت پرانی ہے بعد میں کچھ لوگوں نے پھر سے شروع کیا تو اس کے بعد رجس کو ہر آدمی نے میں کہہ دیا ہر آدمی آج کل سیریز چلی گئی میں لیکن شروعات کی دور کا یہ کلام سماعت حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس اگرچہ کوئی اس میں شرکت نہیں کرے گا تو سمجھ لیجیے کہ یہاں آنے کے لیے اس نے ضد باندھی ہے کہ میں جا کے وہاں خاموش رہوں حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس عباس ہے عباس دل سید ابرار ہیں احساس عباس 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 پانی ہے کہیں اور کہیں پیاس ہے عباس بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس اٹھتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ کے رکھ دے یہ چاہے تو دریا کی کمر توڑ کے رکھ دے راستے میں آج کے دن میں کئی محفلیں ٹکرائیں لوگوں نے بہت ہی روکا مجھے لیکن آپ کی محبتوں کا میں اسیر تھا میں بھاگتا چلایا بہت سو لوگوں نے لالچ دی پرلوبھن دیے لیکن یہ میرا شیوا نہیں ہے سماعت کریں حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس عباس ہے عباس عباس ہے عباس دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس عباس ہے عباس بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس عباس ہے بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی تھوڑا سا بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی دیتی ہے دعائے اسد اللہ کی جائی دیتی ہے دعائے اسد اللہ کی
जाई। दरिया को है सकता तो लरसती है तराई। अल्लाह रे ये जोश है पती ये कलाई। रग रग में रवा पाता है खैबर का लहू है। इस शेर की मादर अबू तालिब की बहू है। बस इतना ही काफी है कि अब दो तीन बंद समाप्त करें। अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास। सुने जरा, जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही वहीं से आप समाप्त करें। ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने, ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने। दूसरे मिसरे पर इशारा कोई खामोश नहीं रहेगा। ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने, बिन हाथों के परचम कोई लहराए तो जाने। ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने, हाथों के परचम कोई लहराए तो जाने। मशकीज में दरिया को उठा लाए तो जाने, बदसात कोई इसके करीब आए। काफिर कोई जिस तरह हरम छू नहीं सकता, गद्दार कभी इसका आलम छू नहीं मिलेगा। एक सवाल
अफरा तफरी से बैठ कहीं और जा रही थी, इसलिए आदमी मुंतशिर हो जाता है। एक सलवात भेजिए अफरा। ऐसा न जमाने में जमाने को मिलेगा ना इसका वफाओं के तराने में मिलेगा, मोती है तो सहरा के खजाने में मिलेगा, ये बस सब उतालिब के दस्तूर कहीं और ये रायज नहीं होता, बेदस्त कभी बाब हवायज नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है लड़के ख्यालात का अक्कास है अब्बास, अब्बास अब्बास बोले शर्मा ने, बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास, अब्बास पानी है कहीं और कहीं प्यास है अब्बास, अब्बास अब्बास। गाजी गाजी के पैकर्मों को अपने अधाने हालिया में बस तसव्वुर शर्त है, उलमा इकराम की मौजूदगी में पर समाज करें तसव्वुर शर्त है, मैं समाज करें ये समझें, बस तसव्वुर में रखें उनके पैकर को। शानों में तो हैदर की शुजात का असर है, सुने पेश कर रहा। शानों में तो हैदर की शुजात का असर है और आंखों में सहरा की तहारत का असर है, सुनिए सुनिए। शानों में तो हैदर की शुजात का असर है और आंखों में सहरा की, बोलिए सहरा की तहारत का असर है, दिल में दिल शब्बीर की चाहत का असर है, जो कुछ है जो कुछ है वो खालिक की इनायत का असर, दिन रात दुआ मांगी तो ये फूल खिला है, खुद बांटने वाले को ये मांगे से मिला है। अब्बास है अब्बास, अब्बास शर्माइए नहीं, अब्बास दो बंद हैदर के, दिन रात दुआ मांगी तो ये फूल खिला है, खुद बांटने वाले को ये मांगे से मिला है। आखिरी बंद, उसके बाद आपकी रहमत को मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, दूसरे लोगों को आना है इंशाल्लाह, एक सलवात का सहारा दे। शानों में तो हैदर की महसूस नहीं कर रहे हैं आप, तसव्वुर में रखते कि गाजी कैसे होंगे, मैं पेश कर रहा हूँ आप लोग महसूस नहीं कर रहे। कह रहा हूँ शानों में तो हैदर की शुजात का असर है और आंखों में सहरा की तहारत का असर है, दिल में दिल शब्बीर की चाहत का असर है, जो कुछ है वो खालिक की इनायत का असर है, दिन रात दुआ मांगी तो ये फूल खिला है, खुद बांटने वाले को ये मांगे से मिला है। अब्बास है अब्बास, अब्बास हैदर के ख्यालात का अक्कास है अब्बास, अब्बास बोल लीजिए अब्बास, शर्माइए नहीं, अब्बास है अब्बास। आप दिल से बोलिए, हो सकता हो ये हम की हमारी और आखिरी रात हो, इसलिए ऐसा वक्त मौका खो न दे। अब्बास है अब्बास, अब्बास दिल सैयद अबरार है एहसास है अब्बास, अब्बास पानी है कहीं और कहीं प्यास है अब्बास, अब्बास बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास, अब्बास आखिरी बार बोलो ना, सुने तो अल्लाह हर टूटे हुए, अल्लाह हर टूटे हुए, ये
لیے ہمارے بڑے بھائی زیارتوں پہ تو کئی بار سات بار رہے ہیں، مولا کی نوکری کرتے کرتے آپ لوگوں کی خدمت کرتے کئی بار شرف حاصل ہوا ہے۔ بنگلور میں یہ بند پڑ رہے تھے لوگ، میں مر سکتا تھا، اتنا پڑھوایا ہے۔ بہرحال آج وہ وقت نہیں، بہرحال سنے حضرت، اللہ نے ٹوٹے ہوئے نیزے کی امانی انداز بتاتے ہیں کہ حیدر کا ہے فانی، تازہ ہوئی جبریل کے شہ پر کی نشانی، دہرائی کچھ اس طرح سے خیبر کی کہانی، جو سورما بنتے تھے وہ قدموں میں پڑے ہیں، حیرت میں نہائے ملک الموت کھڑے ہیں۔ عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس۔ آخری بند، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آنا جانا تو لگا رہے گا۔ بہرحال سماعت کریں، افہام بھائی کو کتنا ہے اور اس کے بعد دیگر کئی لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، سماعت کریں۔ آخری بند، آپ اتنی حوصلہ افزائی کر دیں کہ میں سکون سے اپنے وطن جا سکوں۔ سماعت کریں، غازی کا تذکرہ ہے، کرنے کا ابھی راکھے بیعت کا نشے من، کرنے کا ابھی راکھے بیعت کا نشے من، ہر ذہن جفاکار کی بڑھ جائے گی گلشن، رہ رہ کے بتاتی ہے یہ عباس کی چتون، روکو گے تو برسے گا ابھی قہر کا سامن،